गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक नए ब्लॉग में सबका स्वागत है। तो आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के लिए एक करियर गाइडेंस सेमिनार लेने वाला हूँ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ पर करीब करीब 1000 बच्चे होंगे, मुझे 3 से 4 दिन तक काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने ही इंस्टीट्यूट में 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर लूँगा, और उसके बाद में मैं आपको वहाँ पर पूरा डिटेल बताऊँगा कैसे इंटरेक्शन हुआ, ब्लॉग में ज़रूर लूँगा। तो अब मैं जा रहा हूँ पहला लेक्चर लेने के लिए। हाँ, शायद विजय सर आ गए होंगे, अभी तो नहीं आए हैं। चलो गुड मॉर्निंग। तो मैं और कुलदीप सर अब जा रहे हैं हम लोग सेमिनार लेने के लिए, आपको भी बताएंगे। तो निकलते हैं अब हम लोग। पहुंच गया हूं इंस्टीट्यूट जहां पर मुझे ये सेमिनार लेना है, और इन बच्चों का तो बिल्कुल नहीं लेना है। देख सकते हो क्या मस्तियां चल रही हैं, और ये जो है बचपन की यादें आपको भी याद आ जाएंगी, स्कूलों में हम जाते थे। इनका तो सेमिनार नहीं लेना है, लेकिन इनको देख करके ब्लॉग में लेने की इच्छा हो गई। बचपन याद आ जाता है ऐसे बच्चों को देख करके। कोई टेंशन नहीं, बढ़िया मस्ती करो, पढ़ाई करो, मस्ती करो। विश्वास मानो कि ये महीना अप्रैल का ही है। क्यों सुनील जी? ये कोई आंधी तूफान का मौसम है क्या भाई? इतनी आंधी चल रही है, देख लो माहौल, देखो तुम, शाम का है ये माहौल। घर के सामने धूल वूल उड़ती हुई, यदि नहीं दिख रही हो तो क्या बताऊँ मैं, लेकिन धूल ही धूल हो गई है। इंस्टीट्यूट जाने के लिए मैं तैयार ही खड़ा था, और माहौल ये हो गया है। क्या आंधी तूफान है यार, बताओ। क्या है, लगभग लगभग बज गई है 9:30, और आज जो मैंने एहसास किया वाकई में स्टूडेंट को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है गाइडेंस की। और मैं जो है वो सेमिनार जब ले रहा था करियर का, तो मुझे देखने को मिला कि भाई कितने प्रतिभावान स्टूडेंट हैं, कितने जागरूक स्टूडेंट हैं इस मामले में कि उन्हें कुछ करना है। क्या करना है ये जागरूकता नहीं है, ये ज़रूर जागरूकता है कि क्या करना है। तो भाई आज इन सबसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, सभी स्टूडेंट से मिल करके, और उन्हें जितनी एनर्जी के साथ में सुना, वाह, करीब करीब 1.5 से 2 घंटे तक कोई हिला भी नहीं, शांति से सब बैठ करके सुनते रहे। ये बताता है कि भाई इस छोटे से शहर में जो स्टूडेंट है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, बस उनको सही डायरेक्शन चाहिए। देखो मेरी शीजा भी आ गई। शीजा हाय कर दो सबको। हाय करो ना, हाय। अब हाय नहीं, हाय हाय हाय। दीदी नहीं, दीदी, शिवू शिवू। तो नए सब्सक्राइबर जितने हैं सबको थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब करने के लिए। बिल्कुल साथ में मिलके सपना देखेंगे, साथ में मिलके सपना पूरा करेंगे, और दिल से मेहनत करेंगे। तो अभी चल रही है शीजा शिवी के साथ मस्ती, भागी भागी भागी। शिवू भाग रही, मैं उसको पकड़ रहा, भागी भागी भागी। ये शिवी के दोस्त आ गए, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ,
बाप रे, दोनों को समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो ये तड़प रही, कार से एक राउंड लगवा के। हाँ ये देखो, ये निकली, अब इसको समेटूंगा। ए लड़की, शिजू धीरे धीरे, मेरे को क्यों एक्सरसाइज करवा रही? शिजू इधर देख तो। भाई दोनों को संभालते तो थक गया। अब दोनों को चुप कराने का एक ही रास्ता है, कार से घुमाने ले जाएंगे। कार से घूम लेंगे तो खुश हो जाएंगे। डिंगू चलो कार से, शिजू कार से। पैर दिखा रही। चलो खड़े हो जाओ, कार कर दो, कार से कर दो मम्मा। मम्मा तो ये है हमारे यहाँ का बस स्टैंड, जहाँ पर हम आए थे उस दिन चिंटू जी को छोड़ने के लिए। घर से बहुत दूर आ गया हूँ और ये है हमारे शहर का बड़ा सा स्टेडियम, जहाँ पर लोग आकर के दौड़ते हैं, भागते हैं, हेल्थी बनते हैं। अभी भी देखो कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं सामने फैमिली के साथ में, जो है वो वहाँ पर बहुत दूर कहीं पर क्रिकेट चल रहा है। तो ये है मेरे शहर का स्टेडियम, बहुत शानदार। कभी आऊँगा मैं सुबह यहाँ पर, इंस्टीट्यूट से भी बच्चे आते हैं रनिंग करने के लिए। तो मम्मी इनको कहा था कि बाहर निकलोगे क्या? नहीं, मम्मी बोले नहीं। ये दे दीदी, खुद अच्छा लगा? हाँ मस्ती। हाँ पापा, हाँ क्या हुआ? उसको उसको खोलो, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। शिजू कैसा लग रहा है? कैसा अच्छा लग रहा है? क्यों स्टेडियम कब से नहीं आई तुम खुशबू? स्टेडियम बहुत टाइम से। हाँ बेटा, छठी क्लास में ना जब यहाँ पे कार्यक्रम देने आई थी बस। और अब बाप रे, उसके बाद तो तू स्टेडियम ही नहीं आई। तो अभी देख ले स्टेडियम ऐसा दिखता है। हाँ क्या हुआ क्या हुआ? आप भी आओगे? आ जाओ, मत ले जाओ। शीजा को बहुत मजा आ गया, शीजा एकदम उतरने को कर रही थी कि मेरे को स्टेडियम दिखाओ। स्टेडियम देखना है तेरे को? ऐसे स्टेडियम देखेगा? हाँ खेलेगा, खेलेगा। मम्मी तुम कब आए थे? ए तुम आई नहीं स्टेडियम? ये मम्मी पहली बार स्टेडियम देख रहे हो तुम? ये वाला ऐसे जाते आते देखा है, ऐसे अंदर नहीं गए। छठवीं सातवीं में पढ़ती थी तुम? और छठवीं सातवीं में पढ़ते थे तब? छठवीं सातवीं में पढ़ती थी, मैं प्रोग्राम देखने आई थी। ले बताओ, मम्मी तू भी छठवीं सातवीं में आई थी और मम्मी भी छठवीं सातवीं में आई थी? प्रोग्राम देखने आई थी, देखने आई थी। अरे बहुत पुरानी बात है। बहुत अच्छा स्टेडियम है भाई, बहुत बढ़िया स्टेडियम है, मतलब देख सकते हो। ये भाई मेरा पूरे शहर में एक ही स्टेडियम है ऐसा। सुबह आऊँगा मैं यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे आते फिजिकल के लिए अपने यहाँ से। एक दिन आता हूँ मैं सुबह। ठीक है, अब रो मत इधर देख अच्छे से। अच्छा तो भाई मेरी बच्ची रो रही है क्योंकि उसको लग गई। शीजा कहाँ लग गई बता जरा, लग गई कहाँ? लग गई यहाँ लग गई। ओ मेरा बेटा यार, मेरा बच्चा। इधर सबको बाय कर दो, है बाय कर दो, बाय। ऐसा होता है। तो भाई लेट हो गया हूँ और ब्लॉग एडिट भी करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर तो सभी करना। थैंक यू। ब्लॉग को यही खत्म कर रहा हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर तो सभी करना। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना है ना शीजू सबको? हाँ हाय कर, बाय कर दो सबको, बाय बाय।